हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्ल्ड टूर। जी हाँ, तो देखिए क्या शानदार ओपनिंग है। इस ओपनिंग को देखकर भाइयों, मजा आया। जी हाँ, बेहतरीन ओपनिंग लगी मुझे इसकी। तो हम वर्ल्ड टूर स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम करेंगे चूज टीम इंडिया, क्योंकि हमारा भारत है महान। तो हम सेलेक्ट करेंगे टीम इंडिया को। तो आइए देखते हैं कहाँ लगाना है मैच। तो मैं मैच लगाने जा रहा हूँ इंग्लैंड में, जहाँ जो है मेरे जाने का सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि इतनी औकात नहीं है। तो यहाँ पे पहुँच चुकी हमारी टीम इंडिया इंग्लैंड में, और देखिए विराट कोहली वगैरह की हम जाते हुए, और ये देखिए दर्शक कहते हुए विराट 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 विराट, और विराट कहते हुए चल। तो इंडिया का मैच होने जा रहा है आज इंग्लैंड के साथ वर्ल्ड टूर। जी हाँ, पहला मैच इंडिया का, दो ओवरों का मैच, और यहाँ पे टॉस होता हुआ और हमने टेल जो है कॉल किया है, और यहाँ पे जो है टॉस जीता है इंडिया ने, और हम लेंगे पहले बैटिंग। और जो है बैटिंग करके जो है हम बहुत ही ख़तरनाक बैटिंग करेंगे। और जो है क्या लगता है आपको, दो ओवरों में जो है 50 रन बन पाए? नहीं। तो चलिए बैटिंग करने आ रहा हूँ सबसे पहले मैं ओपनिंग के लिए, और मेरे साथ हैं मेरे साथी प्लेयर जो है बेस्ट। जो है बेस्ट तो हमारा गजब का होता है, क्योंकि हम गजब के प्लेयर हैं। तो यहाँ पे पहली बॉल खेलने के लिए तैयार, और यहाँ पे यॉर्कर की कोशिश, और पहली बॉल यॉर्कर ने उठा दिया है, टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं, लेकिन गैप में 4 रनों के लिए। तो शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई है भारतीय टीम की। पैरों पे बॉल यॉर्कर कराने की कोशिश, लेकिन जो है टप्पा सही नहीं पड़ा, और बेहतरीन शॉट, खुश होते हुए बल्लेबाज, और दर्शक भी जो इंग्लैंड में आए हैं भारी भीड़ के साथ। और अगली बॉल डालने के लिए तैयार, और इस बार जो है छक्का लगेगा, और फिर से वही शॉट लॉफ्टेड, ओ यहाँ पे जो है टाइमिंग अच्छी नहीं हुई। और बड़े दुख के साथ पहली विकेट भारत की यहाँ पे जाती हुई, केवल 4 रन बनाकर जो है आउट होते हुए, बहुत दुख होता हुआ। 4 रन कुल 2 बॉलों में, और शॉट खेलना चाहते थे लेकिन टाइमिंग अच्छी नहीं हुई, और भारत ने पहला जो है विकेट बहुत जल्दी गवा दिया है। अगली बॉल डालने के लिए बॉलर तैयार, फिर से लॉफ्टी शॉट खेलने की तैयारी, और आगे डाल, और शानदार शॉट लगाया है अच्छी टाइमिंग के साथ 4 रनों के लिए। जी नहीं, सिर्फ 2 ही रन मिलेंगे, मुझे लगा कि 4 रन होंगे, क्योंकि गैप में था शॉट, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, 2 रन से संतोष करना पड़ेगा। फिर से पैरों पे बॉल, और यहाँ पे उठा दिया है आगे बढ़कर, जी नहीं आउट। ये हो क्या रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। केवल 6 रन हुए हैं भारतीय टीम के, और 2 विकेटें चल जो है जा चुकी है। अगली बॉल फिर से लेफ्टी शॉट, और आगे बढ़कर, और इस बार जो है शानदार स्वीप शॉट 6 रनों के लिए। ये शॉट देखकर बहुत ही मज़ा आया, और बैट्समैन ने बताया कि वो क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे 9 बॉल, और बैट्समैन को लिए जो है ये जो है सोने पे सुहागा हो चुका है, क्योंकि बहुत ही अच्छा 6 भी मारा, और साथ में 1 रन और एक्स्ट्रा मिला, और साथ में मिली है फ्री हिट। तो देखते हैं फ्री हिट में क्या होता है। यॉर्कर डालने की कोशिश, पीछे हटते हुए लॉफ्टी शॉट मारा है, टाइमिंग बेहतरीन नहीं हो पाई, और यहाँ पे 1 ही रन मिलेगा। ये जो है चौका या छक्का लगना चाहिए था इस बॉल में, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। फिर से जो है लॉफ्टी शॉट मारने की तैयारी, थोड़ी शॉर्ट पिच डाली, आगे बढ़कर 6 रनों के लिए शानदार छक्का। और यहाँ पे जो है बल्लेबाज ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की है, 6 रन आखिरी बॉल पे, और ये जो है शॉट खेलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो है स्कोर बहुत कम था। तो पहले ओवर में 20 रन बना चुकी है भारतीय टीम, जो कि एक अच्छा स्कोर था पहले ओवर के लिए। देखते हैं दूसरे ओवर में क्या होता है। फिर से लॉफ्टेड मारने की कोशिश, और यहाँ पे पैरों पे बॉल, आगे बढ़कर शॉट खेला है, अच्छी टाइमिंग नहीं हो पाई, और ये आउट। टाइमिंग अच्छी नहीं थी, गैप बेशक ढूंढ लिया था, लेकिन उस प्रकार से जो है टाइम नहीं कर पाए, और यहाँ पे जो है आउट होते हुए। बैट्समैन अच्छा खासा खेल रहे थे, 3 बॉलों पे 7 रन बना चुके थे, एक छक्का भी लगाया था, लेकिन यहाँ पे भारतीय टीम जो है मुसीबतों से घिरती हुई, और अगले प्लेयर आते हुए, और देखते हैं क्या स्कोर दे पाएंगे। फिर से लॉफ्टी मारने की कोशिश, और फिर से शॉट मारा है, फिर से जो है टाइमिंग इतनी खास नहीं, लेकिन जो है 4 रन मिल जाएंगे, गैप में खेला था, तो 4 रन यहाँ पे आते हुए। दूसरी बॉल पे, पहली बॉल पे विकेट खो चुका था भारत, लेकिन जो है यहाँ पे
चार रन मिल गए। अगली बॉल डालने के लिए बॉलर तैयार, और यह पैरों पे बॉल फिर से घुमा दिया है, दो रन मिलेंगे। टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं, अर्ली शॉट मार दिया था, लेकिन दो रन मिलेंगे। एक एक रन जो है काफ़ी कीमती। डाइव मार कर जो है खुद को सेव किया है, क्या शानदार डाइव मारी है। तो यहाँ पे जो है कुल छः रन आए हैं, नहीं तीन रन लिए, सात रन आ चुके हैं। इंग्लैंड के ग्राउंड बड़े हैं, फिर से यॉर्कर डालने की कोशिश, और यहाँ पे फिर से शॉट मारा है, टाइमिंग फिर से वही बेकार, लेकिन दो रन लेने की कोशिश और दो रन कंप्लीट किए। तो इसी के साथ जो है बड़े शॉट्स नहीं खेल पा रहे हैं, अच्छी बॉलिंग हो रही है टीम के द्वारा। अगली बॉल देखते हैं इस बॉल में क्या होता है, छक्के की ज़रूरत, और यहाँ पे फिर से शॉट मारने की कोशिश, लेकिन क्या शानदार यॉर्कर बॉल डाली, बोल्ड कर दिया बल्लेबाज को। बल्लेबाज जो है बॉल को समझ नहीं पाए और यहाँ पे आउट हो चुके हैं। अगली बॉल डालने के लिए फिर से तैयार, फिर से यॉर्कर डालने की कोशिश, लॉफ्टी शॉट मारा है, और यहाँ पे बेहतरीन शॉट, परफेक्ट टाइमिंग के साथ छः रनों के लिए आखिरी बॉल पे बेहतरीन छक्का मारते हुए, और भारतीय टीम ने जो है 35 रन बना दिए हैं दो ओवरों में, 36 का टारगेट दिया है। देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे आखिरी बॉल, और यहाँ पे केवल कोई रन नहीं दिया, और भारत ने 16 रनों से जो है मैच जीत लिया है, और इंग्लैंड को जो है 20 रनों पे ऑल आउट कर दिया है। और इसी के साथ भारतीय टीम ने बहुत ही अच्छे तरीके से मैच जीत लिया है, बिल्कुल रन नहीं दिए बॉलरों ने, टाइट बॉलिंग की, बहुत ही बेहतरीन, और यहाँ पे जो है इन्हें मैन ऑफ द मैच मिलता हुआ। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।